Fantasy and the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. Topic है आज का, वो है न्यूट्रीचार्ज बीजे। दोस्तों न्यूट्रीचार्ज बीजे जो है हम लोग उसके ऊपर बात करने वाले हैं कि वो क्या प्रोडक्ट है, क्या काम करता है, वो सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो मैं आपके साथ न्यूट्रीचार्ज बीजे की स्क्रीन शेयर करता हूँ दोस्तों। दोस्तों न्यूट्रीचार्ज बीजे जो है ये हमारा एक हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट है दोस्तों। मतलब आप अगर न्यूट्रीचार्ज बीजे के ऊपर अगर आपने काम करना सीख लिया तो दोस्तों आपके लिए बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करना जो है या बिजनेस वॉल्यूम जो है वो बनाना वो आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, क्योंकि इस एक प्रोडक्ट बिकने से ही आपके बहुत सारा बिजनेस वॉल्यूम जो है वो आपको मिलता है दोस्तों। बिजनेस वॉल्यूम मिलता है तो इसका मतलब ये है कि MRP और DP का जो डिफरेंस है, जो अंतर है वो भी खूब सारा मिलता है दोस्तों। तो इस प्रोडक्ट के ऊपर ये जो बिजनेस, ये देखो दोस्तों हमारे कुछ प्रोडक्ट होते हैं जैसे न्यूट्रीचार्ज मैन है, न्यूट्रीचार्ज नहीं आ रहा है सर। क्या सर स्क्रीन पे नहीं आ रहा है सर? शेयर नहीं किया। न्यूट्रीचार्ज मैन है, न्यूट्रीचार्ज वुमेन है, न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट है, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा है, राइट। ये हमारे बेसिक रेंज के प्रोडक्ट है। बेसिक रेंज का मतलब होता है कि जिनके बिना हम लोगों का काम नहीं चल सकता है, ये हमारे को डेली जो है खाने। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम लोग केवल कुछ समय के लिए खाते हैं, कुछ खास अवस्थाओं में खाते हैं, उनको हम लोग बोल देते हैं स्पेशलिटी प्रोडक्ट। वो जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें एक, जैसे अभी बात कर रहे हैं हम, न्यूट्रीचार्ज बीजे है, राइट। ये खास तौर पर जो घुटने और हमारे जो जॉइंट्स और घुटने की जो हड्डियां है और जोड़ है उसके स्वास्थ्य के लिए बना हुआ है। इसी तरह न्यूट्रीचार्ज SNF करके एक प्रोडक्ट है जो कि बढ़े हुए फैट को कम करने में मदद करता है। इसी तरह से न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन है जो कि प्री डायबिटिक के लिए है। इसी तरह से न्यूट्रीचार्ज DHA 200 है। इसी तरह से हमारे और जो स्पेशलिटी रेंज के प्रोडक्ट हैं, राइट। तो स्पेशलिटी रेंज के प्रोडक्ट जो होते हैं ना दोस्तों, इसके लिए इसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी ज्यादा आपको एफर्ट्स डालनी पड़ती हैं। जब आप थोड़ी सी ज्यादा एफर्ट्स डाल के इन प्रोडक्ट्स के बारे में सीखते हो, समझते हो ना दोस्तों, तो बहुत जल्दी आप 1-2-3 महीने के अंदर ही इन प्रोडक्ट्स को आसानी से बेचना शुरू कर सकते हो। क्योंकि जब आपको ये पता चल गया कि ये प्रोडक्ट है क्या, ये प्रोडक्ट काम कैसे करता है, अब आपको और ये भी पता लग गया कि ये प्रोडक्ट जो है इनकी, इस प्रोडक्ट की जरूरत किस किस को है, तो फिर आसानी से आप जो है उनको आइडेंटिफाई करके आप इस प्रोडक्ट को बेच सकते हो। और ऑलवेज न्यूट्रीचार्ज के जो हमारे स्पेशलिटी प्रोडक्शन के ऊपर काम करना इसलिए ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि आप बिजनेस वॉल्यूम जो है वो आपके जो छोटे छोटे टारगेट्स है ना दोस्तों वो आसानी से पूरे होने शुरू हो जाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरे को SK सिंह साहब बताएंगे जब आपको न्यूट्रीचार्ज बीजे दिखाई देना शुरू, राइट। यस सर। ओके दोस्तों, न्यूट्रीचार्ज बीजे जो है ये बेसिकली एक पैक में आता है। हम लोग इसको न्यूट्रीचार्ज बीजे पैक बोल देते हैं दोस्तों। न्यूट्रीचार्ज बीजे पैक के अंदर 30 सेशेज होते हैं, 30 थैलियां होती हैं, अरे सेशेज होते हैं, पैक होते हैं, और 30 ही टैबलेट होती है। तो ये हमारा मंथली पैक होगा दोस्तों, राइट। तो ये जो न्यूट्रीचार्ज बीजे पैक है दोस्तों, ये हमारे को किसके लिए देना है, अब एक चीज बहुत ध्यान से समझो। न्यूट्रीचार्ज बीजे जो है ये बना हुआ है, राइट, ये क्लिनिकली प्रूवन हुआ है घुटने के ऊपर, राइट। जो घुटने के जोड़ों में दर्द हो जाती है, अकड़न हो जाती है, सूजन हो जाती है, उसके लिए ये बना हुआ है, राइट। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, क्या ये कहीं और भी, जैसे बाकी जो जॉइंट्स हैं, हिप जॉइंट है, पैरों का जॉइंट है, हाथों का जॉइंट है, कोनिया है, क्या यहाँ पर भी काम करेगा? बिल्कुल यहाँ पर भी काम करेगा, लेकिन हम लोग जब भी बात करेंगे वो घुटने के जोड़ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये क्लिनिकली प्रूवन किया गया है घुटने के ऊपर, राइट। वो क्लिनिकली प्रूवन का सर्टिफिकेट भी आपको थोड़ी,
अब ये जो जॉइंट्स, ये जो घुटने के जोड़ों में दर्द होती है, अकड़न होती है, सूजन हो जाती है, इसका एक जो है वो कारण तो हो गया बढ़ती हुई, वो तो सबसे पहला कारण है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जो जो जोड़ों के अंदर जो हम लोग अक्सर बोल देते हैं साइनोवल फ्लूइड या ग्रीस बोल देते हैं, वो बनना कम हो जाती है, कार्टिलेज जो है वो कमजोर पड़ जाती है, जिसके कारण ये दर्द अकड़न सूजन होनी शुरू हो जाती है। एक और बहुत बड़ा कारण जो है दोस्तों वो है मोटापा, राइट। जैसे जैसे हम लोग का वेट बढ़ता है ना दोस्तों, वैसे वैसे ही जो घुटने हैं इनके ऊपर प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ता है दोस्तों। अगर मैं बात करूं तो दोस्तों मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही एक प्रोग्राम के अंदर, सॉरी एक रिसर्च के अंदर ये पढ़ा था कि अगर आपका दो पाउंड का मतलब होता है तकरीबन एक किलो, अगर आपका 2 पाउंड वजन बढ़ता है तो घुटनों के ऊपर प्रेशर जो है वो ऑलमोस्ट 70% बढ़ जाता है, 70% प्रेशर बढ़ जाता है 2 पाउंड 1 किलोग्राम से, तकरीबन 1 किलोग्राम से, राइट। तो इसका मतलब है मोटापा जो है ना, जब क्योंकि ये मोटापा जो हमारा शरीर का पूरा वजन है ना वो घुटनों पे आता, दोनों घुटनों पे आता है, राइट। तो दोनों घुटनों पे आने के कारण अगर वजन कम, वजन नॉर्मल होगा, राइट, तो वो घुटने के ऊपर उतना प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि घुटने बने उस हिसाब से आपका वजन उठाने के लिए। लेकिन इसके ऊपर अगर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा दोस्तों तो नेचुरली ये टाइम से पहले खराब हो जाएगा, राइट। दूसरा जो कारण है दोस्तों वो है ज्यादा उपयोग। अब जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, स्पोर्ट्स के क्षेत्र से मैं आता हूँ दोस्तों, वहां पर क्या होता है, वहां पर हम लोग ना केवल खेलते हैं बल्कि हम लोग खेलने को अच्छा बनाने के लिए हम लोग बार बार प्रैक्टिस करते हैं, राइट। जब बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो कभी मान लीजिए खेल तो 1.5 घंटे का है, लेकिन प्रैक्टिस सुबह एक 1.5 घंटा सुबह प्रैक्टिस होती है, 1.5 घंटा शाम को होती है, राइट। अब बॉडी को फिट रखने के लिए जिम में भी जाना पड़ता है, राइट, रनिंग भी करनी पड़ती है, तो ये सारे काम करने पड़ते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, जो स्पोर्ट्स वाले लोग होते हैं ना वो ज्यादा उपयोग करते हैं। मैं केवल स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन है जहां पर नीचे बैठना पड़ता है, लगातार आलती पालती लगाकर बैठना पड़ता है, तो उनके घुटनों में भी जब क्योंकि ज्यादा उपयोग हो रहा उनके घुटने भी जो है उनके अंदर जो ये ग्रीस है या जिसको साइनोवल फ्लूइड बोला जाता है वो कमजोर पड़ जाती है, जिसके कारण घुटनों में दर्द आती है। आरामदेह जीवन शैली, आरामदेह जीवन शैली के कारण क्या होता है, कम उपयोग होता है। जब कम उपयोग होता है तो उसके कारण क्या होता है, वेट बढ़ता जाता है, जो हमारा पहला वाला सेकंड वाला जो प्रॉब्लम था, जब वेट बढ़ जाता है, मोटापा ज्यादा आ जाता है, तो उसके कारण भी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। एक होता है दोस्तों न्यूट्रिशन की कमी, जैसे हम लोग अक्सर हम लोग नॉर्थ इंडिया में रहने वाले हैं दोस्तों, राइट, हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई माँ बाप बोला करते हैं, क्या बोला करते हैं भाई, दूध पियो है ना, दही खाइए, राइट, ऐसी चीजें खाइए, राइट। अब दूध नहीं के कारण क्या होता है कि हड्डियां मजबूत होती है दोस्तों, जब हड्डियां मजबूत होती हैं तो क्योंकि 30-35 साल 36 साल 37 साल तक हड्डियों के अंदर जो कैल्शियम है वो बनती रहती है, मतलब कैल्शियम एकत्रित होती रहती है, उसके बाद जो कैल्शियम है हड्डियों से निकलनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है हड्डियां कमजोर होनी शुरू होती है। अगर आपने बचपन के टाइम पे, जवानी के टाइम पे खूब सारा दूध दही वगैरह खाया तो आपकी हड्डियां मजबूत रहे, राइट, और आप बुढ़ापे में ज्यादा देर तक बढ़िया तरीके से अपनी हड्डियों से काम ले सकते हो। लेकिन अगर आपने बहुत सारा फास्ट फूड खाया जिसके अंदर कैल्शियम की कमी थी, मैग्नीशियम की कमी थी, पोटेशियम की कमी थी, राइट, ये सारी तत्वों की कमी थी, तो उसके कारण हड्डियां जो है वो कमजोर रह जाती है। तो एक और बहुत बड़ा कारण है न्यूट्रिशन की कमी। अभी तक हमने कौन कौन से कारण डिस्कस किए, दोबारा से बात कर लेते हैं। एक बड़ा कारण है उम्र, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है प्रॉब्लम आती है। दूसरा चीज है मोटापा। तीसरी चीज जो है वो है ज्यादा उपयोग। चौथी चीज जो है वो है कम काम करना, ये जो था आराम से जीवन चलते। पांचवा जो आ गया हमारे पास वो आ गया न्यूट्रिशन की कमी, राइट। अब तीन चीजें होती हैं सर, जो जॉइंट्स होते हैं हमारे को, जो घुटने का जॉइंट होता है उसके अंदर तीन चीजें होती हैं जिसके कारण हड्डियां दुखती हैं। पहली होती है हड्डियों की कमजोरी, लिख लीजिए सर, हड्डियों की कमजोरी। दूसरी होती है जोड़ों के अंदर कार्टिलेज की क्षति, और तीसरा होता है जोड़ों के अंदर तरल की कमी, मतलब साइनोवल फ्लूइड की कमी, राइट। तो मैं एक एक करके आपको बहुत ध्यान से समझिए। देखो सर, मैंने अभी थोड़ी देर के लिए जो है वो बंद कर दिया है,
प्रेजेंटेशन को, अब बहुत ध्यान से समझिए। मान लीजिए ये हमारे घुटने की हड्डी है, राइट। तो घुटना जो है ऐसे मूव करता है, राइट, ऐसे मूव करता है, राइट। अब हमारी ये नीचे वाली हड्डी है, राइट, जो पांव के ऊपर आती है, राइट। वैसे दो हड्डियां आती है, हम लोग उसको एक मान के चलते हैं। तो ये मान लीजिए नीचे वाली हड्डी है, अब जो नीचे वाली हड्डी ये सख्त हड्डी है पूरी की पूरी, ठीक है सर। इसके ऊपर एक नरम हड्डी जिसको हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं, राइट। आप समझ लीजिए, उसके बाद में फिर आपको ये ऊपर वाली हड्डी जो कूल्हे की तरफ जाती है, राइट। ये जो हड्डी है ये सख्त हड्डी, राइट। इसके नीचे नीचे, राइट, नरम हड्डी होती है जिसको कार्टिलेज बोलते हैं। अब ये हड्डी इस तरह से एक दूसरे के ऊपर टिकी होती है, बिल्कुल पास में होती है, लेकिन दोनों में बीच में गैप होता है, राइट। वो गैप क्यों आता है? वो कार्टिलेज के कारण आता है, राइट। जैसे हम लोग देखते हैं ना, ईटा के ऊपर ईटा रखा रहता है जब मकान बनाते हैं, लेकिन ईटा के ऊपर ईटा के बीच में सीमेंट की एक लेयर होती है, उसी तरह से, राइट। तो ये इस तरह से, राइट। अब होता क्या है, वो जो कार्टिलेज है दोस्तों, वो कार्टिलेज वो इन दोनों हड्डियों को आपस में टकराने से बचाते हैं, राइट। लेकिन दिक्कत क्या है, जब हम लोग पैदल चलते हैं, दौड़ते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, राइट, कूदते हैं, तो ये कार्टिलेज नीचे वाली भी ऊपर वाली भी रोज इसकी टूट फूट होती है, घिसती है। जब ये घिसती है तो ये पास में आनी शुरू हो जाती है, लेकिन ऊपर वाले ने एक बड़ा सिस्टम, बड़ी बढ़िया सिस्टम बना के रखा है ऊपर वाले ने। उसमें क्या होता है कि जब हम लोग सो रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे शरीर के अंदर द्रव बनता है जिसको हम लोग साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, ये फैट से बनता है, राइट। ऑटोमेटिकली एक द्रव बनता है, तो वो जाके इस कार्टिलेज को और उस कार्टिलेज को दोनों को रिपेयर कर देता है, राइट। जब ये दोनों रिपेयर हो जाते हैं तो जब हम सुबह उठते हैं तो वो दोबारा से हम लोग जो है वो रिकवर कर चुके होते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, राइट। तो यही हम लोग बात कर रहे थे कि मतलब उम्र के कारण क्या होता है, वो साइनोवियल फ्लूइड जो है ना, वो एक उम्र तक बनता है, लगातार पूरी जिंदगी नहीं बनता रहता, राइट। चलिए वापस हम लोग जो है वो स्क्रीन शेयर के ऊपर आते हैं दोस्तों। अब घुटनों में एक्सरसाइजिंग साहब बताइएगा जब आपको दिखाई देगा। यस सर। ओके, आ गया जी। ओके, तो दोस्तों अभी घुटनों में जब प्रॉब्लम आती है तो वहां पर तीन चीजें आती, कारण हमने समझ लिए सर, राइट। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है वो तीन चीजें हैं दोस्तों। पहला, हड्डियों की कमजोरी आ जाती है। अब हड्डी कमजोर हो जाएगी तो नेचुरली है कि घुटनों में दिक्कत होगी दोस्तों। दूसरी चीज है दोस्तों, कार्टिलेज क्षति, राइट। जब कार्टिलेज की क्षति, ये देखो सर, ये नीचे वाली हड्डी, ये ऊपर वाली, जब कार्टिलेज की क्षति होनी शुरू हो गई, राइट, कार्टिलेज कमजोर होनी शुरू हो गई, वो मोटी थी, वो दुबली पतली होनी शुरू हो गई, तो भी दिक्कत आएगी। और अगर जोड़ों के अंदर साइनोवियल फ्लूइड में कमी आ गई या तरल द्रव में कमी आ गई तो भी दिक्कत होनी शुरू हो गई, जोड़ों में साइनोवियल फ्लूइड में कमी आ जाएगी, राइट। अब ये देखो सर, ये बहुत ध्यान से समझिए, ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये दोस्तों हड्डी है, सख्त हड्डी जिसको बोलते हैं, ये सख्त हड्डी, ये जो आपको सफेद सफेद लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं कार्टिलेज। ये नीचे भी है और ये ऊपर भी, और ये जो आपको बीच में नीला नीला दिखाई दे रहा है, ये है साइनोवियल फ्लूइड या ग्रीस। डॉक्टर अक्सर बोल देते हैं ग्रीस बननी बंद होती है ना, वो ग्रीस, राइट। तो ये तीन मेन कारण है, हड्डियों की कमजोरी, कार्टिलेज की क्षति, और तीसरा जोड़ों के अंदर तरल द्रव या साइनोवियल फ्लूइड की कमी। अब कैसे पता चलेगा किसके अंदर कितनी कमी है दोस्तों? वैसे अक्सर ऐसे लोगों ने एक्सरे करवाया हो, अगर आप एक्सरे को ऊपर बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको दो चीजें समझ में आएंगी। पहली चीज क्या है, ये एक आम इंसान का है, जहां पर क्या है, ये देखो सर, ऊपर वाली हड्डी और नीचे वाली हड्डी में एक आपको क्लियर कट साफ साफ जो है गैप दिखाई दे। अब ये जो गैप जो है ना दोस्तों, ये हवा के कारण नहीं, ये कार्टिलेज के कारण, यहाँ पर कार्टिलेज है जिसके कारण ये दोनों हड्डियां आसपास नहीं आ रही, राइट। तो ये हो गया। दूसरा यहां पर देखिए, ये देखिए, ऊपर वाली हड्डी नीचे वाली हड्डी के ऊपर सट कर बैठ गई, ये देखिए यहां पर और यहां, पूरी ये हड्डी जो है वो नीचे वाली हड्डी पर बैठी, राइट। तो ये एक बड़ी दिक्कत है, राइट। ये पहली चीज हो गई। एक चीज आप और दिखा दो, अगर यहां पर आप देखोगे ना, यहां पर ये बिल्कुल साफ सुथरी आपको हड्डी दिखाई दे रही है, ये देखो सफेद सफेद,
नीचे भी आपको देखो, नीचे भी आपको देखो सफेद सफेद, ऊपर भी देखो सफेद सफेद, यहाँ पर अगर देखोगे तो हड्डी पूरी की पूरी काली पड़ चुकी है यहाँ से, एक्सरे में निकल गई, ये देखो यहाँ तक बिल्कुल काली, ये बिल्कुल काली। अब सफेद सफेद का मतलब ये है कि इसके अंदर कैल्शियम अच्छी खासी मात्रा है, राइट। और यहां पर देखोगे तो इसका मतलब ये हड्डी के अंदर से कैल्शियम बहुत हद तक निकल चुका है, जिसके कारण ये हड्डी जो है बहुत कमजोर हो चुकी है, राइट। तो मैंने आपको ये कार्टिलेज का भी बता दिया और हड्डी की कमजोरी का भी आपको थोड़ा सा आइडिया दिया। चलिए दोस्तों, अब लोगों को सबसे पहले घुटनों में दर्द का एहसास कब होता है? जब लोग सीढ़ियां चढ़ते, जब लोग सीढ़ियां चढ़ते, राइट। तो जब लोग सीढ़ियां चढ़ते हैं तो क्या होता है कि पूरा का पूरा वजन, जैसे मान लीजिए कोई इंसान जो है वो 90 किलो का या 100 किलो का है, तो उसके दोनों घुटनों पे 50-50 किलो का ऑलमोस्ट वजन होगा। लेकिन जैसे वो एक पैर ऊपर रखेगा तो ऊपर वाले पैर के ऊपर कोई वजन नहीं है, पूरा वजन कहां पर है? नीचे वाले पैर के ऊपर, राइट। पूरा वजन कहां पर है? नीचे वाले पैर के ऊपर, राइट। जैसे ही वो नीचे ऊपर वाला पैर जो है वो, राइट, तो जो नीचे वाला पैर है दोस्तों, जो नीचे वाला पैर है पूरा का पूरा 100 किलो या 80-90-95 किलो जो है वजन, वो नीचे वाले पैर के दोस्तों, ये अगर मैं फोटो यहाँ पर दिखाऊं तो पूरा का वो पूरा वजन जो है इस घुटने पे इस टाइम पे, क्योंकि ये घुटना जो है वो बेंड है तो इसीलिए ये वेट नहीं उठा रहा, ये जो घुटना है ना दोस्तों इसके ऊपर पूरा का पूरा वजन, राइट। अब ये घुटना जब ये पैर जो है एकदम से झटका दे के ऊपर आएगा, तो अगर वो 90 किलो का है तो हो सकता है वो झटका 120 किलो का हो, 150 किलो का हो या 200 किलो का हो, तो वो झटका लगता है दोस्तों घुटने को, क्योंकि वो उठा के एक स्टेप ऊपर जाएगा दोस्तों। तो उस टाइम पर क्या आपका घुटना जो है उतना झटका सहने के लिए जो है वो सक्षम है? अगर सक्षम है तो भाई फिर तो आप अभी घुटनों की कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर उस टाइम पर जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं तो आपको वो दिक्कत हुई, मतलब घुटने के अंदर दर्द हुआ, तो इसका मतलब है सर कार्टिलेज की क्षति शुरू हो चुकी है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, तो आपको इस तरफ ध्यान देना चाहिए, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो लोगों को सीढ़ियां चढ़ने में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है या दर्द स्टार्ट होता है वो आपके सबसे पहले ग्राम। आमतौर पर लोग घुटनों के दर्द से बचने के लिए क्या करते हैं सर? दर्द निवारक दवाएं स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, जिसके पेन किलर्स शुरू कर देते हैं। अब पेन किलर्स क्या करती है? पेन किलर्स ठीक नहीं करती है, पेन किलर्स केवल दिमाग का कनेक्शन उस एरिया से तोड़ देते हैं। मान लीजिए घुटनों में दिक्कत हो रही है, राइट, तो घुटनों की दिक्कत दिमाग तक कैसे पहुंच रही है? वो नर्व तंत्रिकाओं के जरिए पहुंच रही है। तो अगर आप वो जो है वो गोली खा लेते हैं, पेन किलर की गोली खा लेते हैं, तो ऐसा नहीं है दर्द सही हो गई, ऐसा है कि केवल उस दर्द का एहसास करवाने वाली जो नस थी वो दब गई कुछ टाइम, वो सो गई कुछ टाइम, दर्द ठीक नहीं। अब इसका एक नुकसान है, नुकसान ये है कि अभी आपको दर्द हो रहा था तो आप धीरे धीरे पैदल चल रहे थे, आप धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहे थे, आप उसका जो था वो प्रिकॉशन ले रहे थे, लेकिन जैसे ही आपको दर्द बंद हो गया तो आपको लगा तो अभी तो दर्द हो नहीं रहा, तो आप नॉर्मल रफ्तार से पैदल चलते हो, नॉर्मल रफ्तार से दौड़ते हो, नॉर्मल रफ्तार से आप सीढ़ियां चढ़ते हो, तो उसका रिजल्ट क्या आता है? उसका रिजल्ट ये आता है कि घुटना ठीक होने की बजाय और खराब हो। दोबारा से बता देता हूं कि दर्द निवारक दवाएं जो है वो केवल दर्द को दबा देती है, वो कहीं पर भी जो है ठीक नहीं करती, वो कहीं पर भी ठीक नहीं करता। दर्द निवारक दवाओं का एक और बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि कुछ समय के लिए वो दर्द को दबाती, कुछ समय के, मतलब 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, उसके बाद फिर दर्द चालू हो जाता है, तो बार बार खानी पड़ती। ये मैं पॉइंट ऑलरेडी बता चुका हूँ कि घुटने के अंदर की क्षति को ठीक नहीं कर रही है, वो केवल और केवल दर्द के एहसास को कम करती है, जिसके कारण क्या होता है घुटनों से ज्यादा काम देते हैं तो घुटने और ज्यादा खराब। ये जो दर्द निवारक दवाएं हैं उसका एक और साइड इफेक्ट जो है वो है एसिडिटी होने शुरू हो जाती है, यहाँ पर जलन शुरू हो जाती है, छाती में जलन शुरू हो जाती है, उसके लिए फिर दोबारा एक और दवाई है ना वो खानी पड़ेगी।
लंबे समय तक उपयोग किया जाए दर्द निवारक दवाओं का, तो दोस्तों किडनीज है, लीवर है, हृदय है, इनको गंभीर क्षति पहुंच सकती है। आमतौर पर माना जाता है भाई घुटने के दर्द का इलाज क्या है भाई, ऑपरेशन। राइट, अमृतसर के अंदर भी एक बहुत बड़ा सेंटर है दोस्तों जहां पर सर्जरीज की जाती है दोस्तों, राइट, और बहुत फेमस है। इवन हरियाणा, राजस्थान और इधर जम्मू एंड कश्मीर से लोग जो है वो सर्जरी करवाने के लिए या घुटने बदलवाने के लिए जो है वो आते हैं दोस्तों। अब घुटना बदलता कैसे दोस्तों, बहुत ध्यान दे सकते हैं, ये देखो सर क्या किया जाता है, ये नीचे वाली जो जगह है ना इसको प्लेन किया जाता है, ये जो नीचे वाली हड्डी है ना इसको प्लेन कर दिया जाता है, ऊबड़ खाबड़ चीजों को काट दिया जाता है, और यहां से इस हड्डी को यहां से काट दिया जाता है, राइट, यहां से इसको काट दिया जाता है, यहां से इसको काट दिया जाता है, और इन दोनों के बीच में वो मशीन जो है घुटना जो है वो बैठा के और उसको पेच के जरिए या क्या बोलते हैं इसको स्क्रू के जरिए कस दिया जाता है। अब जब वो कस दिया जाता है इस तरह से, ये वो मशीन है, ये नकली घुटना डाल, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना बड़े बड़े कानों वाले, ये वो उस घुटने को बिठाने के लिए ये टूल है, औजार है दोस्तों, ये घुटना जो आपको दिखाई दे रहा है नकली घुटना ये है। अब ये देखो सर, ये प्लेट लगा दी ना सर, अब प्लेट को क्या कसेंगे, हड्डी के साथ कस देंगे, बिल्कुल प्लेन करके हड्डी के साथ कस देंगे। अरे तो नॉर्मली लोग ये करते हैं, नॉर्मली 2.5 से 3 लाख का खर्चा जो है वो आता है। अगर आप फॉरन का घुटना जिसको हम टाइटेनियम का घुटना डलवाते हैं वो 4.5-5 लाख में आता है दोस्तों, तो एक तो महंगा बहुत है, ये एक घुटने की बात, सॉरी एक घुटने की बात कर रहा हूँ दोस्तों, केवल एक घुटने की, राइट, तो एक तो महंगा बहुत है, राइट। दूसरी चीज जो है वो ये है कि बाईचांस अगर खराब हो जाए तो फिर क्या करेंगे, बाईचांस अगर वो मशीन है भाई, मशीन तो कभी भी काम करना कम कर सकती है या बंद कर सकती है ना, तो फिर क्या करेंगे, तो क्या दोबारा ऑपरेशन करवाएंगे दोबारा से। अच्छा चलो मान लीजिए आपके पास पैसा है, आप दोबारा से ऑपरेशन करवाने की सोच रहे, लेकिन वो जहां पेच लगे हुए हैं हड्डी के अंदर, जब वो पेच बाहर निकलेंगे राइट और नई मशीन फिट की जाएगी, तो वहीं पर फिर नए पेच या नए स्क्रूज लगेंगे, तो क्या वो पहले जितने ही जो पेच थे उन्हीं से काम चल जाएगा, या ज्यादा बड़े या ज्यादा गहरे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वो वाला तो पेच जो था उसने तो अपना खांचा बनाया हुआ था, राइट, तो ज्यादा बड़े लगेंगे या ज्यादा मोटे लगेंगे, क्या इससे हम लोग घुटने को सही करने के टाइम पे क्या हम लोग अपने घुटने की हड्डी को स्वस्थ कर रहे हैं या उसका नुकसान कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, राइट, जिसके कारण क्या होता है, तो ये एक आइडियल सिचुएशन है। हमारे पास क्या है, हमारे पास है न्यूट्रीचार्ज बीजे, न्यूट्रीचार्ज बीजे में ये सैशे आता है और साथ में ये टैबलेट्स आता है, राइट, तो 30 सैशे होते हैं और 30 टैबलेट्स। चलिए दोस्तों, हम न्यूट्रिशनल बीजे जो है ना दोस्तों, ये क्लिनिकली प्रूवन है दोस्तों, ये क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है दोस्तों, ये देखो सर मेरे पास क्लिनिकली प्रूवन का सर्टिफिकेट जो है वो पड़ा हुआ है, राइट, ये देखो सर ये न्यूट्रीचार्ज बीजे का क्लिनिकली प्रूवन का सर्टिफिकेट, राइट। अब क्लिनिकली प्रूवन का सर्टिफिकेट क्या हुआ, मतलब इसको हॉस्पिटल के अंदर चेक किया गया, डॉक्टर्स के द्वारा चेक किया गया दोस्तों, जिसके कारण ये पता चला कि ये, और चेक करने के बाद हमारे पास इसके रिजल्ट, राइट, तो वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो ये हड्डियों की कमजोरी को कम करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए और घुटने के अंदर जो कार्टिलेज है उसको घिसने से राहत देने में मदद करता है, घिसने से रोका नहीं जा सकता क्योंकि जब हम पैदल चलेंगे वो घिसेगी, लेकिन दोबारा रिपेयर होनी चाहिए। तो ये हमारे पास रिजल्ट्स हैं दोस्तों, ये अगर आप मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये रिजल्ट्स हैं, क्लिनिकली स्टडी और न्यूट्रीचार्ज बीजे, तो ये 90 दिनों के लिए ये चेक किया गया दोस्तों, प्राइम हॉस्पिटल हैदराबाद के अंदर चेक किया गया, राइट,
और बहुत सारे पेशेंट्स के ऊपर, 100 के आसपास पेशेंट्स, 100 पेशेंट्स थे, 100 पेशेंट्स के ऊपर जो है वो जो जिनको जॉइंट्स की प्रॉब्लम, राइट, हल्का फुल्का दर्द होता था, तो उनको राइट, तो न्यूट्रीचार्ज बीजे के अंदर जो है वो हमारे पास दो चीजें आती हैं, न्यूट्रीचार्ज बीजे सेशे और न्यूट्रीचार्ज बीजे की टैबलेट्स, राइट। तो हम लोग सबसे पहले टैबलेट की बात करते हैं, टैबलेट की बात करते हैं। जो न्यूट्रीचार्ज बीजे टैबलेट है दोस्तों, उसके अंदर जो सबसे बड़ा तत्व जो है या सबसे पहला तत्व जो डला हुआ है वो है ग्लूकोसाम। देखो अगर कार्टिलेज को रिपेयर करना है तो एकमात्र तत्व जो दुनिया में अवेलेबल है वो है ग्लूकोसाम, एकमात्र। अब जो ग्लूकोसामाइन है ना दोस्तों, अब बहुत से लोग मेरे को बराबर बोलते हैं सर ये ग्लूकोसामाइन जो है अगर ये कार्टिलेज को बना देती है तो फिर तो बढ़िया है। नहीं सर, बनाती नहीं, केवल रिपेयर करती, रिपेयर करती। क्योंकि अगर कार्टिलेज बन सकती होती, अगर दोबारा से बता देता हूं, अगर कार्टिलेज बन सकती होती दवाइयों से तो कभी भी घुटने ऑपरेशन करवाने की जरूरत ना पड़ती दोस्तों। तो ये क्या करती है, ये केवल रिपेयर करती, बनाती नहीं, राइट। तो ग्लूकोसामाइन जो है ये तीन तरह की आती है। पहली आती है ग्लूकोसामाइन हाइड्रोक्लोराइड। जो ग्लूकोसामाइन हाइड्रोक्लोराइड है ये 99% शुद्ध है दोस्तों, 99% प्योर है और आसानी से अवशोषित हो जाती है। आसानी से अवशोषित क्यों हो जाती है, क्योंकि जो हमारा पेट है दोस्तों उसके अंदर भी ग्लूकोसामाइन है, उसके अंदर भी HCl करके एसिड होता है, जो हमारे पेट के अंदर पाचन के लिए एसिड बनता है ना, वो भी हाइड्रोक्लोराइड या HCl होता है। तो हमारी जो ग्लूकोसामाइन है उसके अंदर भी हाइड्रोक्लोराइड है, हमारे पेट के अंदर भी हाइड्रोक्लोराइड, तो आसानी से पच जाता है, अवशोषित हो जाता है। दुनिया की जितनी भी सबसे बेहतरीन कंपनीज हैं वो हमेशा ग्लूकोसामाइन HCl ही यूज करते हैं। दूसरा है दोस्तों ग्लूकोसामाइन सल्फेट। ग्लूकोसामाइन सल्फेट जो है दोस्तों ये 74% शुद्ध होता है। अब पेट में तो HCl ही है, लेकिन आप खा कर रहे हो सल्फेट खा रहे हो, जो सल्फेट और HCl ये दोनों मिलके एक नया एसिड बना देते हैं पेट के अंदर, जिसको बोल देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, राइट। जब ये H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, उसके कारण क्या होता है दोस्तों, ये वही एसिड होता है जिससे हम लोग अपने टॉयलेट की सीट साफ करते हैं ना दोस्तों, है ना, उसको सफेद करते हैं, सही करते हैं, राइट। तो वही होता है दोस्तों, राइट। तो उसके कारण क्या होता है कि ये बहुत सारी दिक्कतें जो है वो गैस बननी शुरू हो जाती है, जलन रहनी शुरू हो जाती है, राइट। तो ये बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है, तो जिसके कारण क्या बोला जाता है कि सबसे बेस्ट जो है ना दोस्तों वो ग्लूकोसामाइन हाइड्रोक्लोराइड। एक और ग्लूकोसामाइन होता है, उसको बोलते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, राइट। लेकिन वो भारत में बहुत कम मिलता है, या कोई कंपनी वैसे बनाती भी नहीं है उसको भारत के अंदर बहुत ज्यादा, राइट। लेकिन ये जो है जो सबसे कॉमन फॉर्म है वो यही दो है दोस्तों, ग्लूकोसामाइन हाइड्रोक्लोराइड और ग्लूकोसामाइन सल्फेट। इसमें से ग्लूकोसामाइन हाइड्रोक्लोराइड जो है उसकी शुद्धता भी सबसे ज्यादा है और आसानी से अवशोषित भी वो हो जाता है दोस्तों। चलिए अब क्या करता है ग्लूकोसामाइन। वैसे तो अगर मैं साइंस में जाऊं तो साइंस में हम लोग बहुत सारी चीजें जो है वो बता सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन सिंपल सी बात रखिए सर, ग्लूकोसामाइन क्या करता है दोस्तों, ग्लूकोसामाइन कार्टिलेज को रिपेयर करता है, लिख लीजिए, कार्टिलेज को रिपेयर करता है, लिख लीजिए सर, ग्लूकोसामाइन कार्टिलेज को रिपेयर करता है। जब कार्टिलेज रिपेयर हो जाती है तो जिसके कारण जो दर्द अकड़न सूजन में राहत मिलती है, दर्द अकड़न सूजन में राहत मिलती है। जब कार्टिलेज सही हो गई तो ऑटोमेटिकली दर्द अकड़न सूजन में राहत मिलती है, राइट। दूसरा तत्व क्या है, दूसरा है MSM का पूरा जो नाम है वो है मिथाइल सल्फोनिल मीथेन। बेसिकली ये क्या होता है, ये एक सल्फर कंपाउंड, सल्फर मतलब इसके अंदर सल्फर होता है, राइट। हमारे शरीर की हर कोशिका के अंदर पाया जाता है। इसका काम क्या है, इसका काम है पानी को, नमी को अंदर रखना, राइट। तो जब जिस इंसान को घुटनों में दर्द की प्रॉब्लम है, राइट, तो वो जब न्यूट्रीचार्ज बीजे खाना शुरू कर देता है, उसके अंदर MSM है, तो वो क्या करता है कि वो घुटने के आसपास नमी को बना के रखता है। जब घुटने के आसपास नमी बन जाती है तो वो जो आपको कार्टिलेज है ना, स्पॉन्ज जैसा मटेरियल जो होता है वो नरम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है उसकी उम्र अच्छी हो जाती है, राइट। तो ये दर्द अकड़न सूजन से राहत देता है, राइट, कार्टिलेज को क्षति से बचाता है, दर्द अकड़न सूजन से राहत।
तीसरा तत्व जो न्यूट्रीचार्ज बीजे टैबलेट में है दोस्तों है, वो है विटामिन K27। विटामिन K27 जो है दोस्तों, ये आप समझ लीजिए कि इसको मान के चलिए कि आप ये फेविकुल का जोड़, ये फेविकुल का जोड़ है, ये क्या करता है, जो आपके शरीर में कैल्शियम पहुंच चुकी है उसको हड्डियों के साथ जोड़, जो शरीर के अंदर ऑलरेडी कैल्शियम पहुंच चुकी है उसको हड्डियों के साथ जोड़ता है, राइट, जिसके कारण हड्डियां मजबूत है। तीसरा है चौथा है दोस्तों विटामिन डी। विटामिन डी का काम क्या है दोस्तों, विटामिन डी जो है ये जो कैल्शियम है फास्फोरस है इनको पहचाने के अवशोषण करने में मदद करता है, इनके अवशोषण में मदद करता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एसके सिंह आप कहा, एसके सिंह साहब आप कहां से हैं सर? मैं सारण से हूं, छपरा से सर। छपरा सारण बिहार। छपरा से? हाँ जी सर। ओके, मान लीजिए एसके सिंह साहब है, मैं छपरा गया, छपरा में ट्रेन आती है सर? हाँ जी सर। हाँ, तो मान लीजिए मैं ट्रेन से उतरा, वो ट्रेन से उतर कर मैं क्या कर, मैं ट्रेन से उतर के नीचे पूछ रहा हूँ कि भाई नेक्स्ट मेरा प्रोग्राम है वहां पर, तो मैं वहां पर जो लोग हैं वहां पर जिनकी दुकानें हैं तो उनसे पूछ रहा हूँ मेरे को एसके सिंह साहब के घर जाना। बोले सर एसके सिंह साहब हमारे को तो पता नहीं है, दो तीन दुकानें मैंने पूछी, सर मेरे को ना एसके सिंह साहब के घर पे जाना है तो मेरे को बताइए कहाँ पर है उनका। वो बोले सर हमारे को पता। उतनी देर में एक बंदा जो था वो मोटरसाइकिल से निकल रहा था, उसने बोला सर आप किनका नाम ले रहे हैं? मैं बोला सर मेरे को ना एसके सिंह साहब से करके घर पे जाना। बोलते कौन से एसके सिंह साहब? अरे यार वो आरसीएम के अंदर हैं, लीडर हैं, तो उनके घर पे जाना। बोले अच्छा अच्छा जो आरसीएम में हैं? हाँ। मैं बोला हाँ जो आरसीएम में। तो वो बोला मैं उन्हीं के घर की तरफ ही जा रहा हूँ, आप ऐसा कीजिए कि आप मेरी बाइक पर बैठिए तो सामान पकड़ लीजिए, मैं आपको उनके घर तक छोड़ देता हूँ, राइट। तो उसने बंदे ने क्या किया, उसने मेरे को एसके सिंह सर के घर पे छोड़ दिया। अब जो काम उस बंदे ने मेरे साथ किया, मतलब मेरे को रेलवे स्टेशन से उठाया और एसके सिंह साहब के घर पे छोड़ दिया, वही काम विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस के साथ, वो खाने के अंदर से कैल्शियम को अवशोषित करवाता है और हड्डियों के आसपास पहुंचा देता है जहां पर विटामिन K27 इसको हड्डियों के साथ जोड़ देता है। आशा करता हूँ समझ में आ गया। यस सर, यस राइट राइट। तो उसके कारण क्या होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, जिसके कारण जो है उस समस्या कम होती है। बॉसवेलिया, बॉसवेलिया का सिंपल लिख लीजिए, दर्द अकड़न सूजन कम करता है। दर्द अकड़न सूजन कम हो जाती है, राइट, तो कार्टिलेज की हानि भी रुक जाती है, कार्टिलेज की क्षति भी रुक जाती है। इसके बाद आता है ब्रोमेलिन। ब्रोमेलिन जो है सूजन रोधी। आप तीन चीजें लिखा देता हूं आपको, बॉसवेलिया, ब्रोमेलिन और नहीं दो ही है, हड्डियों को मजबूत बनाता है और कार्टिलेज के निर्माण में मदद करता है। इसका मतलब यह हड्डियों और कार्टिलेज को स्वस्थ बनाता है मैंगनीज। बोरोन हड्डियों के अंदर एक तत्व होता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। और लास्ट में आता है कॉपर, ये जो प्रोटीन कोलेजन है या हड्डियों को जो बांधने वाली जो फाइबर्स होते हैं उनमें पाया जाता है, मतलब कहने का मतलब हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाता है। मैं हमेशा एक चीज मानता हूं दोस्तों, बहुत ज्यादा साइंस के अंदर मत जाइए, केवल आपको इतना पता होना चाहिए, आपसे कोई पूछ ले कि भाई बोरोन क्या करता है तो आप बता सके कि बोरोन जो है ना दोस्तों एक तरह का एक खनिज है जो कि हड्डियों के अंदर पाया जाता है, तो हड्डियों को मजबूत करता है, बस इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। वो क्या कैसे करता है, वो क्यों करता है, वो बोलिए सर वो उनका काम है जो स्टडीज के अंदर है, जो डॉक्टर है, हमारा काम नहीं। हमारा काम है केवल प्रोडक्ट की नॉलेज रखना और प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से तत्व हैं उनके बारे में बेसिक नॉलेज, राइट। हम लोग सिंपल सी चीज समझिए सर, हम लोग न्यूट्रीचार से हम लोग आपको डॉक्टर नहीं बना रहे, हम लोग केवल और केवल आपको एक अच्छा आरसीएम डायरेक्ट सेलर या एक अच्छे न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट बेचने वाले सेलर्स बना रहे, राइट। मिलकर ये आ गया दोस्तों हमारा न्यूट्रीचार्ज बीजे का सेशन, न्यूट्रीचार्ज बीजे का सेशे। तो न्यूट्रीचार्ज बीजे के जो सेशे हैं उसके अंदर जो सबसे पहला तत्व होता है वो होता है दोस्तों मिल्क कैल्शियम, दूध से निकाला गया कैल्शियम। अब हमारे को सभी को पता है दोस्तों कि कैल्शियम जो है बचपन से पढ़ते हैं, कैल्शियम क्या करता है,
हड्डियां मजबूत करता है, कैल्शियम क्या करता है हड्डी मजबूत करता है। तो मिल्क कैल्शियम क्या करता है, ये सबसे आसानी से हड्डी मजबूत करता है, क्यों, मिल्क कैल्शियम जो है ये सबसे ज्यादा अवशोषित होने वाला कैल्शियम, मिल्क कैल्शियम जो है ये सबसे ज्यादा अवशोषित होने वाला, इसके कारण क्या होती है हड्डी मजबूत। दूसरा तत्व जो न्यूट्रीचार्ज बीजे सेशे में डाला हुआ है, ये सेशे की बात कर रहा हूँ अभी, पहला सेशे के अंदर था कैल्शियम, दूसरा है रोज हिप एक्सट्रैक्ट। रोज हिप एक्सट्रैक्ट क्या करता है देख लीजिए, दर्द अकड़न सूजन को कम करता है, दर्द अकड़न सूजन को कम करता है राइट, जिससे ऑटोमेटिकली कार्टिलेज की सुरक्षा होती है। इसके बाद आता है इनुलिन, इनुलिन फाइबर, ये फाइबर जो है ये क्या करता है, इनुलिन फाइबर कहां से निकाला जाता है, मूली से निकाला जाता है। ये फाइबर क्या करता है, ये बेसिकली पाचन को बढ़ाता है। फाइबर का काम क्या है, हम जब से हमने न्यूट्रीचार्ज पढ़ना शुरू किया है तब से हम लोग पढ़ते आए हैं कि फाइबर का काम क्या है, फाइबर का काम है पाचन में मदद कर राइट। अब पाचन में मदद कैसे होती है दोस्तों, आप सभी को पता है जब फाइबर जो है वो पेट में जाकर जो है वो ज्यादा देर तक उस प्रोडक्ट को पेट में रखे ताकि पेट के अंदर आंतों के अंदर जो जो गुड बैक्टीरिया है वो ज्यादा से ज्यादा खाने के अंदर से तत्वों को निकाल। तो फाइबर का एक ही काम है सर, ये क्या करता है पाचन को सुधारता है जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम, ज्यादा से ज्यादा मैग्नीशियम जो है वो शरीर के अंदर जाता है। मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दोनों जय और वीरू की जोड़ी, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये दोनों क्या है दोस्तों, जय और वीरू की जोड़ी राइट। तो कैल्शियम मैग्नीशियम को बचाने में मदद करता है, मैग्नीशियम कैल्शियम को बचाने में लिख लीजिए। तो ये हड्डी के अंदर होता है, मैग्नीशियम हड्डियों के अंदर विटामिन डी बी सी के अंदर है, विटामिन डी माल रखा कर सकते। तो ये हो गया दोस्तों हमारा पूरा का पूरा न्यूट्रीचार्ज बीजे टैबलेट और न्यूट्रीचार्ज बीजे का सेशन। अब हड्डियों की मजबूती के लिए क्या है, मिल्क कैल्शियम डाला हुआ है राइट सेशे के अंदर, विटामिन के टू सेवन डाला हुआ है किसके अंदर, टैबलेट के अंदर, इनुलिन फाइबर डाला हुआ है किसके अंदर, सेशे के अंदर, विटामिन डी डाला हुआ है टैबलेट के अंदर सेशे के अंदर दोनों, उसके बाद में मैग्नीशियम डाला हुआ है सेशे के अंदर राइट। तो हड्डियों की मजबूती के लिए ये सारी चीजें हैं, कार्टिलेज के रख रखाव के लिए मेंटेनेंस, कार्टिलेज के मेंटेनेंस के लिए ग्लूकोसामाइन हाइड्रोक्लोराइड जो कि टैबलेट में है वो डली हुई है, रोज हिप एक्सट्रैक्ट जो कि सेशे में है वो डला हुआ है, बॉस वेलिया जो कि अगेन टैबलेट में है वो डला हुआ है, वाइटामिन के टू सेवन अगेन टैबलेट में है वो डला हुआ है, और जोड़ों के अंदर फ्लूइड का वो जो ग्रीस रहती है उसका बचाव करने के लिए ग्लूकोसामाइन हाइड्रोक्लोराइड और एमएसएम ये दोनों जो है वो टैबलेट में डले राइट। न्यूट्रीचार्ज बीजे और सैशे, न्यूट्रीचार्ज बीजे सैशे और टैबलेट क्या ये दोनों लेना जरूरी है, एक साथ लेना जरूरी है, बिल्कुल ये दोनों एक साथ लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि न्यूट्रीचार्ज बीजे के अंदर जो पोषक तत्व डले हुए हैं सैशे के अंदर वो, और न्यूट्रीचार्ज जो टैबलेट के अंदर पोषक तत्व डले हुए हैं, तो तकरीबन दोनों के काम अलग अलग। जैसे न्यूट्रीचार्ज बीजे ये अगर हमें सेशे की बात करो तो रोज हिप एक्सट्रैक्टर दर्द अकड़न सूजन से राहत देता है, कैल्शियम हड्डी मजबूत करता है, मैग्नीशियम हड्डी मजबूत करता है, विटामिन डी हड्डी मजबूत करता है, इनुलिन पाचन में मदद करता है राइट। तो यहाँ पर हड्डी मजबूत, दर्द और पाचन के लिए। और अगर यही मैं टैबलेट की बात करूं दोस्तों, इसके अंदर कम मात्रा वाले पाए जाने वाले हैं ग्लूकोसामाइन हाइड्रोक्लोराइड, कार्टिलेज की क्षति को बचाता है एमएसएम, दर्द वो कार्टिलेज को क्षति होने से बचाता है ग्लूकोसामाइन, कार्टिलेज को रिपेयर करता है विटामिन के टू सेवन, हड्डी को मजबूत करता है विटामिन डी हड्डी को मजबूत कर ले, बॉस वेलिया ब्रोमेलिन जो है ये दर्द अकड़न सूजन से राहत देते हैं दोस्तों। तो ये दोनों के काम अलग अलग हैं टैबलेट के लिए, दोनों को एक साथ लेना है। कौन ले सकता है न्यूट्रीचार्ज बीजे, जिन लोगों के घुटनों में दर्द रहता है वो न्यूट्रीचार्ज बीजे का नियमित सेवन कर सकते हैं राइट। जिनको काम करते समय थोड़ा बहुत दर्द रहता है, चलते समय पैदल चलते समय दर्द रहता है, वो न्यूट्रीचार्ज बीजे का सेवन कर सकते हैं। कैसे लेना है दोस्तों, एक गिलास
ग्लास पानी लेना है, उसके अंदर न्यूट्रीचार्ज बीजे सैशे जो है उसको घोल लेना है, और न्यूट्रीचार्ज बीजे की टैबलेट जो है वो शाम को मतलब इसी टाइम 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच में टैबलेट निगल लेना है, साथ में वो जो आपने शेक बनाया हुआ है न्यूट्रीचार्ज बीजे पाउडर का उसको पी लेना। दोबारा से बता देता हूँ, 1 गिलास पानी के अंदर, पानी बोला था ना मैंने पहले भी, 1 गिलास पानी के अंदर 1 गिलास, उसके अंदर न्यूट्रीचार्ज बीजे का सेशे खोल लीजिए, उसको अच्छी तरह से खोल लीजिए, साथ में न्यूट्रीचार्ज बीजे की एक टैबलेट रख के उसको निगल लीजिए। टाइम कितने बजे? 5-6 बजे के आसपास, 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच, राइट। कब तक लेना है? कम से कम 3 महीने तक लेना, कम से कम 3 महीने तक लेना है, राइट। न्यूट्रीचार्ज बीजे के साथ क्या करें? संतुलित आहार लें। कैसे पता चलेगा संतुलित आहार ले रहे हैं या नहीं ले रहे? वो सर आपकी जो रोग मुक्त जीवन के लिए वेलनेस न्यूट्रिशन की किताब है, उस वहां से आप जो है जो रोग मुक्त जीवन के लिए वेलनेस न्यूट्रिशन की किताब है उसका जो छोटा वाला हिस्सा है, अगर आप देखोगे तो ये आ गया सर, आप ये देखो सर घुटने वाला दिखाया ना सर, तो ये सबसे लास्ट पेज की कौन सा है? 62 नंबर पेज, राइट। 62 नंबर पेज पे जो है वो दिया, राइट। नेक्स्ट, ये कंपैरिजन अगर हम लोग करें तो ये हमारे पास न्यूट्रीचार्ज बीजे का कॉम्बो पैक है जिसके अंदर कैल्शियम भी है और ग्लूकोसामाइन, राइट। ये एमवे का प्रोडक्ट आता है ग्लूकोसामाइन HCl विद बॉसवेलिया, राइट। तो इसके अंदर केवल ग्लूकोसामाइन है और कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम के लिए हमने एमवे का ही दूसरा प्रोडक्ट ले लिया कैलमैग डी, राइट। इसके बाद आता है हर्बल लाइफ का, हर्बल लाइफ का ये है जॉइंट सपोर्ट कैप्सूल्स और ये है कैल्शियम, राइट। तो इस तरह से हमने सभी के कॉम्बो पैक बना दिए। तो अगर हम लोग न्यूट्रीचार्ज की बात करें तो न्यूट्रीचार्ज के अंदर 750 मिलीग्राम ग्लूकोसामाइन हाइड्रोक्लोराइड, जो एमवे का प्रोडक्ट है उसके अंदर 375 मिलीग्राम हाइड्रोक्लोराइड है दोस्तों, ग्लूकोसामाइन हाइड्रोक्लोराइड, और जो हर्बल लाइफ का प्रोडक्ट है उसके अंदर 550 मिलीग्राम ग्लूकोसामाइन हाइड्रोक्लोराइड। इसके बाद आता है विटामिन K2-7 दोस्तों, विटामिन K2-7 जो याद है ना दोस्तों, है ना, फेविकोल का मजबूत जोड़, तो 55 माइक्रोग्राम जो है विटामिन K2-7 है न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट में, लेकिन ना तो एमवे में ना हर्बल लाइफ में ऐसा कोई भी तत्व नहीं। इसके बाद आता है रोज हिप एक्सट्रैक्ट और बॉसवेलिया। रोज हिप एक्सट्रैक्ट जो है वो क्या करता है, दर्द अकड़न सूजन से राहत देता है, 800 मिलीग्राम है, दूसरे किसी भी प्रोडक्ट के अंदर ये नहीं। न्यूट्रीचार्ज के अंदर बॉसवेलिया है 75 मिलीग्राम, राइट। जो एमवे का प्रोडक्ट है उसके अंदर 30 मिलीग्राम बॉसवेलिया है, हर्बल लाइफ ने नहीं डाला। विटामिन डी जो मैंने बताया था कि एसके सिंह सर के घर पे वो बंदा लेके गया था मेरे को मोटरसाइकिल से, राइट, तो वो विटामिन डी का काम। विटामिन डी कितना है? 5 माइक्रोग्राम। जो एमवे की टैबलेट्स हैं उसके अंदर भी 5 माइक्रोग्राम है, जो हर्बल लाइफ की है उसके अंदर 2.5 माइक्रोग्राम। MSM वो जो कार्टिलेज को क्षति से बचा के रखता है दोस्तों, नमी को बचा के रखता है, तो 250 मिलीग्राम MSM है न्यूट्रीचार्ज बीजे के अंदर। जो एमवे का प्रोडक्ट है उसके अंदर 66.7 नहीं, उसके अंदर एमएसएम नहीं है, ना ही जो हर्बल लाइफ है उसके अंदर। मैग्नीशियम 300 मिलीग्राम है न्यूट्रीचार्ज बीजे में, जो एमवे का प्रोडक्ट है उसके अंदर 66.7 है, जो हर्बल लाइफ का उसके अंदर 150 मिलीग्राम। और इसके बाद आता है कैल्शियम जो कि हड्डियों की मजबूती का एक बेसिक रिक्वायरमेंट है दोस्तों। न्यूट्रीचार्ज बीजे के अंदर 500 मिलीग्राम कैल्शियम, और कौन सा कैल्शियम है दोस्तों? मिल्क कैल्शियम, दूध से निकाला हुआ कैल्शियम। जो एमवे के अंदर है दोस्तों, उसकी जो एमवे की टैबलेट आती है कैल्शियम, उसके अंदर 200 मिलीग्राम कैल्शियम है, और वो कैल्शियम कौन सा दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब चूने से बना हुआ कैल्शियम, और हर्बल लाइफ का जो है वो भी चूने वाला कैल्शियम, और 400 मिलीग्राम दोस्तों। अगर हम लोग एक महीने की बात करें तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो 3500 रुपए महीने का आता है दोस्तों। जेआरसी हम बोलने पे ये 2800 का होता है और 2100 बिजनेस वॉल्यूम आपको मिलता है। अगर हम लोग एमवे की बात करें दोस्तों, तो एमवे के अंदर ये दोनों मिला के 3090 और 800, तो ये बन गया सर 3888 रुपए का प्रोडक्ट बनता है दोस्तों, 3888 रुपए का प्रोडक्ट बनता है, राइट। अब ये 3888 रुपए का प्रोडक्ट जो है दोस्तों, ये एक महीने का प्रोडक्ट, राइट। और उसके बाद आता है ये हर्बल लाइफ का, ये 3087 रुपए का प्रोडक्ट,
राइट 3000 सदस्य। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये जो ग्लूकोजामाइन है जो एमवे का प्रोडक्ट है, इसके ऊपर लाल कलर का एक आपको डॉट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नॉन वेजिटेबल, ये या तो बना हुआ है फिश से या फिर बना हुआ है शेल्फिश से, राइट, ये भी से। लेकिन हमारा जो है न्यूट्रीचर बीजे के ऊपर जो ग्लूकोजामाइन है दोस्तों, ये कॉर्न जो मक्की होता है ना उससे निकाला, जिसके कारण ये प्योर। See in the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true.